सवाल नंबर फर्स्ट है, वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा खाना नहीं चाहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धोखा या ठोकर। सवाल नंबर दो है, ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के काम में आती है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी भाषा। सवाल नंबर तीन है, ऐसा कौन क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सपना। सवाल नंबर चार है, वह कौन सा है जो मीठा होने के बावजूद बाजार में नहीं बिकता है? यानी कि वह कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बाजार में नहीं बिकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहनत का फल। सवाल नंबर पांच है, लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं हैं, बताओ क्या? सही जवाब हो जाएगा चम्मच। सवाल नंबर छह है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खींचोगे उतना ही छोटी हो जाती है? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिगरेट। सवाल नंबर सात है, वह कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं? सही जवाब हो जाएगा बर्थडे केक। सवाल नंबर आठ है, 10 रुपए में ऐसा क्या खरीदोगे जो पूरा कमरा भर जाएगा? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगरबत्ती। सवाल नंबर नौ है, फड़ने वाले पेपर को किस पेड़ से बनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बांस के पेड़ से। सवाल नंबर 10 है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। कमेंट करने से पहले हैशटैग GKStudyAdda लिखना है, उसी के बाद आपका नाम लिया जाएगा अगली वीडियो में। सवाल नंबर 11 है, घड़ी शर्फ किस देश की कंपनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत देश की। सवाल नंबर 12 है, सोने का होटल किस देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियतनाम में। सवाल नंबर 13 है, हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं? जवाब हो जाएगा 28 राज्य। सवाल नंबर 14 है, किस जीव का सिर कट जाने पर हफ्तों तक जिंदा रहता है? सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच। सवाल नंबर 15 है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत देश की। सवाल नंबर 16 है, भारत में कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनीष कुमार को। सवाल नंबर 17 है, सर्वाधिक काला नमक किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप में। सवाल नंबर 18 है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था?
जवाब हो जाएगा हिंदी बोलने वाले का रेशमा नाम था। सवाल नंबर 19 है, चूहा एक साल में कितने बच्चे को जन्म दे सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1000। सवाल नंबर 20 है, फतेहपुर सीकरी किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सवाल नंबर 1 है, किस देश में सिर्फ 27 ही लोग रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीलैंड देश में। सवाल नंबर 2 है, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन को। सवाल नंबर 3 है, किस प्राणी के 3 दिल होते हैं? दोस्तों आप किसी भी सवाल का जवाब पहले से जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्टोपस। सवाल नंबर 4 है, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो अंधेरा होते ही बड़ा हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा आंख की पुतली। सवाल नंबर 5 है, सोना का सबसे ज्यादा उत्पादक किस देश में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन देश में। सवाल नंबर 6 है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जाकिर हुसैन। सवाल नंबर 7 है, सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्च को। सवाल नंबर 8 है, नवाबों का शहर किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ को। सवाल नंबर 9 है, सबसे वफादार जानवर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ते को। सवाल नंबर 10 है, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करने से पहले हैशटैग जीके स्टडी अड्डा लिखना है, उसी के बाद आपका नाम लिया जाएगा अगली वीडियो में। सवाल नंबर 11 है, भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस शहर में लागू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर में। सवाल नंबर 12 है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। सवाल नंबर 13 है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब में। सवाल नंबर 14 है, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीले रंग से।
सवाल नंबर 15 है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 7 रंग होते हैं। सवाल नंबर 16 है, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी के। सवाल नंबर 17 है, किस जीव ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है? सही जवाब हो जाएगा बिच्छू ने। सवाल नंबर 18 है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य है। सवाल नंबर 19 है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 2012 को। सवाल नंबर 20 है, कौन सा जानवर है जिसे गुलाबी पसीना निकलता है? सही जवाब हो जाएगा दरियाई घोड़े का। सवाल नंबर 21 है, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा द फ्लाइंग सिख को। सवाल नंबर 22 है, बंगाल की शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी को। सवाल नंबर 23 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। सवाल नंबर 24 है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बेसबॉल। सवाल नंबर 25 है, किस देश में इंटरनेट की सुविधा फ्री में दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क देश में। सवाल नंबर 26 है, क्या चांद पर भी बारिश होती है? सही जवाब हो जाएगा नहीं होती है।